प्रिय संत ऋषि और गुरु का मिलना परम कठिन है, ये मिल गए तो सब मिल गया। उनका मिलना कठिन नहीं, वो मिलेंगे, मिल जाएंगे, मिले ही हुए हैं, श्वास ही बने हुए, धड़कन वही है, न हो तो अभी के अभी वो तो है ही। नामदेव तो कच्चा है, नामदेव को बड़ी पीड़ा हुई। मैं तो बरसों से सोच रहा था मैं भगवत प्राप्त हूं, भगवान मुझसे बात करते, पूरी दुनिया में मेरा नाम है कि भगवान से सीधा बात नामदेव करते हैं, अगर मैं फिर भी कच्चा हूं तो उपाय भी तुम ही बताओ कि मैं अब पक्का कैसे होऊंगा। बोला नामदेव कल सुबह यहां से निकल जा और जो पहला व्यक्ति तुझे मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा, उनके पास वर्षों तक रहना, गुरु की प्रज्ञा, गुरु का प्रबोध और गुरु का ज्ञान लेकर के आएगा। शायद आज तक तो मुझे भी ठीक से पहचानता नहीं, मैं तेरे प्रेम के कारण खा तो लेता हूं, पर जब गुरु के पास से वापस आएगा तो पहचान पाएगा कि गोविंद कौन है। निकले यहां से नामदेव, गए, चलते गए, जंगल पहुंच गए, कोई आदमी नहीं मिलता था, जाकर देखा एक आदमी ऐसा है जो टूटी फूटी एक शिव की मंदिर है और शिवलिंग के ऊपर ही पांव चढ़ा के सोया हुआ है। कहा हे भगवान, गुरु भी मिलना था तो इतना नास्तिक, बताओ शिवलिंग के ऊपर में पांव डालकर बैठा हुआ, ये मेरा गुरु। नामदेव जी ने जगाया है और नामदेव जी जगाने के बाद, विशोबा खेचर नाम था उनका, खे माने आकाश, चर माने चलना, आकाश मार्ग से जिनका चलना होता था, विशोबा खेचर जगाए, गुरु रूप में वर्ण किया, विशोबा खेचर के पास बरसों तक रहे और बरसों के बाद जब वापस आए तो अब नामदेव बदल चुके थे। आकर ठाकुर के चरणों में गिरते हुए बोले कि ठाकुर एक आज्ञा चाहिए। बोला बोलो। बोला मुझे अब मुझे मेरे गुरु की सेवा करनी है, मुझे जरा आज्ञा दे दो, मुझे उनके पास जानी है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, वाह वाह तू अब पक्का हो गया, क्या देखते हैं गुरुदेव भगवान वहीं प्रकट हो गए। कहा गोविंद की सेवा कर, मैं तुझे ज्ञान ही इसलिए दिया था कि अपने इस शरीर को गोविंद का पात्र बनाकर, गोविंद के लिए उपयुक्त होकर, गोविंद के मार्ग में फूल वितरण करने के लिए, गोविंद की सेवा करने के लिए शरीर की सार्थकता और सिद्धि है। उसी समय नामदेव जी देखते हैं एक विचित्र घटना घटती है, उसी विग्रह में गुरुदेव भगवान समा जाते हैं और उसके बाद नामदेव निरंतर विट्ठल भगवान की सेवा करने लगते हैं। गुरु गोविंद में भेद नहीं होता, वो सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए उस समय तक के लिए आते हैं जब आप उस परब्रह्म परमेश्वर को पूर्णतः पहचान लो। नहीं तो हमारी तुम्हारी जैसे फोटो पहचानने वाले और मूर्ति पहचानने वाले करोड़ों की संख्या में लोग घूमते चल रहे हैं।